हाय एवरीवन, मैं हूँ अलीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एलीज वंडरलैंड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल से फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और आप इसे विद इन 15 मिनट्स में तैयार करके रख सकते हैं। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन में लिया है 2 कप दूध और इसे मैं अच्छे से बॉयल कर लूँगी। जब तक हमारा दूध बॉईल होता है तब तक मैंने यहाँ पे एक कटोरी में 3 टेबलस्पून मिल्क लिया है और उसमें मैं 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर मिक्स करूँगी। हमें इस तरीके से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी तरीके का लंप ना रहे। कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट अब अच्छे तरीके से तैयार है। दूसरी साइड हमारा मिल्क भी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कस्टर्ड पाउडर के पेस्ट को। ये पेस्ट ऐड करने टाइम आप फ्लेम को लो कर दें। कस्टर्ड पाउडर पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे। इसे कुछ कुछ सेकंड्स के इंटरवल पे चलाते रहें, नहीं तो ये पैन के बॉटम में चिपक जाएगा। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो मैं अब इसके फ्लेम को बंद कर दूंगी और बंद करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर को। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पाउडर शुगर अराउंड 3 to 4 teaspoon। अगेन ये आपके लेवल ऑफ स्वीटनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितना चीनी ऐड करना चाहते हैं, बट 3 to 4 इज़ नॉर्मल। शुगर ऐड करने के बाद अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिलाऊंगी और लो फ्लेम पे इसे एक उबाल आने तक रखूंगी। अगेन ये बॉईल होने के बाद हमारा कस्टर्ड पूरे तरीके से बन चुका है, तो अब मैं इसे कूल डाउन होने के लिए ऐसे ही रख दूंगी। 10 मिनट के बाद अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूंगी। अब मैं इस बोल को फ्रिज में ट्रांसफ़र कर दूंगी अराउंड 15 टू 20 मिनट के लिए। बीस मिनट बाद हमारा कस्टर्ड अच्छे तरीके से कूल डाउन हो चुका है, तो अब हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग में मैं ऐड कर रही हूँ सीजनल फ्रूट्स। आप चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने मन पसंदीदा फ्रूट्स को। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एप्पल, बनाना और हमारा मन पसंदीदा फ्रूट आम। अब भाई मैंगो का सीज़न शुरू हुआ है तो मैंगो ऐड करना तो बनता है ना। मैंगो के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा अनार। आप अपने मन पसंदीदा कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिला दें और अब मैं इसे फ्रिज में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए रख दूंगी, जिससे हमारा कस्टर्ड अच्छे से सेट हो जाएगा। 3 घंटे बाद हमारा कस्टर्ड कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से जम चुका है। आप चाहें तो इसे 4-5 घंटे आराम से फ्रिज में छोड़ सकते हैं, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी बना था और सब लोगों को बहुत पसंद आया था। आप इसे अपने घर पे किसी भी पार्टी में बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं, बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस मेरे फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है एलीज वंडरलैंड के नाम से। एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।